सावन के महीने में दो लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब तीन चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आगे हम इस वीडियो में गुरु जी से पूरा जानेंगे कि आपको दो लोटा जल उपाय करने के लिए किन तीन बातों का ध्यान रखना है, पर उससे पहले आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पशुपति व्रत के बारे में पूरी जानकारी, उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है और आपने बहुत सारे कमेंट भी किए हैं। मैंने भी कोशिश की है कि मैंने हर कमेंट का जवाब देने की, फिर भी अगर किसी के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाया तो माफ़ी चाहूँगा। दूसरी बात आपसे ये करना चाहूँगा कि उस वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट भी आए हैं जिनका जवाब वीडियो में था, इसका मतलब ये है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते, तभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब वीडियो में होता है। इसलिए आपसे कहूँगा कि आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, पूरा उपाय को समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर कमेंट का जवाब मैं अच्छे से दूँ। तो चलिए आगे इस वीडियो में हम जानते हैं गुरु जी से कि आपको क्या तीन बातों का ध्यान रखना है दो लोटा जल उपाय करने के लिए। नंबर का तो दो लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते, नहीं तो तुम दो लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डाल देना सिर पे, जरा सिर पे पल्लू, अब तुम्हारा लोटा हाथ में बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू भेरू ने और खींचा है, ठीक है ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया क्या हुआ, हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ उठाओ जरा ये ले कमर में खोसी दो, कमर जो खोच कमर में पन्नी और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी भोले को अपना, पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है अगर दो लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए तीन चीजों में एक चीज जल दो लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम एक माला जरूर कर ले जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले तुम्हारे आसपास में नहीं मिले तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो तो कहते हैं कि हजारों अश्म यज्ञ के पुण्य के बराबर भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता, आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की विरल भक्ति प्राप्त हो सकती। अभी और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते,
बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, इस वीडियो में गुरुजी ने पूरा बताया है कि आपको कैसे सावन के महीने में दो लोटा जल वाला उपाय करना है। गुरुजी से पूरा सुनकर मैं आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे ये उपाय करना है। सबसे पहले तो आपको अपने घर से दो लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर में जाना है। दूसरा, दो लोटा जल जो आप लेकर जा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आप दोनों हाथों में रखकर लेकर जाएं। आप एक हाथ में दोनों कलश रखकर भी ले जा सकते हैं। और साथ में गुरुजी ने यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि आपको साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाना। आप अपने साथ पूजा की कोई भी सामग्री ले जा सकते हैं, महादेव को कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो बेलपत्री समर्पित करें, चाहे तो आप धतूरा समर्पित करें, चाहे आप महादेव को पुष्प समर्पित करें। अपने साथ में आप कोई भी पूजन सामग्री ले जा सकते हैं, पर आपको दो लोटा जल अपने घर से लेकर जाना है। दूसरा, गुरुजी ने साथ में ये भी कहा है कि आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जब आप अपने घर से चलें तब से लेकर जब तक आप महादेव को दो लोटा जल समर्पित ना कर दें तब तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। तीसरी बात गुरुजी ने इस वीडियो में कही है कि आपको पूरे सावन के महीने में 108 बार हर रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब वो जाप आपको कैसे करना है? पूरे सावन के महीने अगर आप नहीं कर सकते तो सावन के हर सोमवार के दिन आप 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। अब करना कैसे है? ये जाप आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर करना है। अब कुछ लोगों को समस्या होती है कि वहां बेलपत्री का पेड़ नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है? शिव मंदिर में जाकर वहीं पर महादेव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र उठाकर अपने मस्तक पर, अपने सिर के ऊपर रख लीजिए और वहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। कुछ लोगों को बेलपत्री का पत्ता भी नहीं मिलता, फिर क्या करना है? बेलपत्र की सूखी लकड़ आपको मिल जाएगी, उसी सूखी लकड़ी से घिसकर उसका चंदन तैयार कर लीजिए। उस चंदन का तिलक अपने मस्तिष्क पर लगाइए और फिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। 108 बार जाप आपको ये करना है। साथ में आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको महादेव के सामने रखनी है। महादेव ने चाहा और अगर सच्चे दिल से आपने जाप किया है, सच्चे दिल से दो लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान इसी सावन के महीने में करेंगे। मित्रों, मैंने कोशिश की है पूरा आपको बताने की, पूरा आपको समझाने की। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ नहीं भी पूछना तो हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक कमेंट जरूर कर देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।